हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किरण फैशन क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आने वाली अपकमिंग वेडिंग सीजन के लिए आप किस तरीके से अपनी पुरानी साड़ियों का रीयूज कर सकते हैं। तो आज मैंने ली है एक सॉटन की साड़ी जो कि काफी थिक मटेरियल है इसका, और इससे हम सरारा सेट बनाएंगे। कुर्ती, सरारा और दुपट्टा तीनों। जिन लोगों को सरारा ज्यादा पसंद नहीं आता है उनके लिए आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप सरारे को बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्कर्ट का लुक आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है साड़ी में पल्लू का पोर्शन जो कि बहुत ही लंबा सा पल्लू दिया हुआ है इस साड़ी में। और यहाँ पे साड़ी कुछ इस तरीके की है जिसपे की बॉर्डर है और बीच बीच में पूरी साड़ी पे इस तरीके से बूटियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहले हम दुपट्टे की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो पल्लू की साइड से हम यहाँ पे टेप को पकड़ते हुए पहले 1 मीटर पे निशान लगाएंगे। उस पॉइंट से आगे 1 मीटर और पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर पे निशान लगा लिया है। इसके आगे हम टेप को इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे मेरी जो साड़ी है उसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर आपकी साड़ी की लेंथ कम है तो यहाँ पे आप 10 इंच पे निशान लगाएं। मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस पॉइंट को सीधा करते हुए यहाँ से हम साड़ी को कट कर लेंगे। और यहाँ पे पल्लू में 4 पैटर्न इस तरीके के बने हुए हैं, और इसको सेंटर से हम कट करके 2 पीस में डिवाइड कर देंगे। और इस पीस को दुपट्टे में हम दूसरी साइड में इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो दुपट्टे में सीधी साइड में ये स्टिच लगा करके हमने दोनों पीस को अटैच कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, उसके बाद रॉन्ग साइड में इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि सिलाई का जो मार्जिन है वो दब जाएगा और दोनों साइड में बहुत ही क्लीन से फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, रॉन्ग साइड में भी बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है। और राइट साइड में इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। दुपट्टे के ज्वाइंट पे टॉप स्टिच लगा लिया है और इस तरीके से दोनों साइड में बिल्कुल एक जैसा पैटर्न हो गया है। इनकी किनारों को हाईलाइट करने के लिए ट्रायंगल वाली गोटे लेस अटैच कर दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अपने कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को इस तरीके से चौड़ाई में बिछा लेंगे और इसके ऊपर अपनी पुरानी कोई भी फिटिंग की कुर्ती को इस तरीके से सेट करेंगे। साइड में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। के बाद सेम इसी मेजरमेंट का एक और पीस हम कट करेंगे। यहाँ पे कुर्ती के फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस हमने कट कर लिया है और इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमारे कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो है 36 इंच, तो 1/2 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर लेंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। तो यहाँ पे हम 37 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ पे जो फोल्डिंग वाली साइड है उसे मैं अपनी तरफ कर लूंगी और उसके बाद मार्किंग करेंगे कुर्ती पे। हमारा जो शोल्डर है वो है 16 इंच, उसका हाफ होता है 8 इंच, उसमें 1/2 इंच कम करके यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, वेस्ट 14 इंच पे और हिप जो है वो 21 इंच पे। यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेंगे और अंदर के आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच अंदर की तरफ, इसको भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देंगे।
हमारे चेस्ट का राउंड मेजरमेंट है वो है 38 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच, उसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे और 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारे वेस्ट का राउंड मेजरमेंट है वो है 32 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच, उसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे और 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। का राउंड मेजरमेंट है 38 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच, उसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे और 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है लेग स्लिपर, इनसे इस पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे, इससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। और यहाँ पे नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसे हम फ्यूजन पेपर से बनाएंगे और यहाँ पे 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे बैक के पैनल को यहाँ से निकाल लेंगे और फ्रंट के आर्म होल पे जो निशान लगाया हुआ है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे, तो बचे हुए कपड़े को इस तरीके से लेंगे और चौड़ाई में 10 इंच कपड़ा हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। हमारे स्लीव की टोटल लेंथ है वो है 11 इंच, तो यहाँ पे हमें बॉर्डर अटैच करना है। जो बॉर्डर हमने कुर्ती में से कट करके निकाला था उस बॉर्डर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे स्लीव को अगर बॉर्डर के साथ में कट करते तो हमारे सरारे के लिए कपड़ा कम पड़ता, इसलिए हम इस तरीके से कट करके बॉर्डर को बाद में अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और बॉर्डर वाला जो पोर्शन है इसे कट करके यहाँ से निकाल लेंगे। फोल्ड करने के बाद कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। कैप हाइट के लिए 3.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देंगे और स्लीव की जो गोलाई यहाँ पे रखेंगे 7 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ बॉर्डर था इसको कट करके हम स्लीव में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। स्लीव्स में यहाँ पे बॉर्डर को अटैच कर लिया है और किनारे में गोटे से इस तरीके से डिटेलिंग कर ली है। पे मैंने लिया है कुर्ती के फ्रंट का पैनल और इसके सेंटर में एक लाइन इस तरीके से बना ली है। लाइन पे नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके नीचे हम एक ब्लैंकेट अटैच करने वाले हैं, तो इस तरीके से एक ब्लैंकेट मैंने बना लिया है और इसकी लेंथ 11 इंच रखी है। लाइन के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे और इसे पिन लगा करके सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे। फ्यूजन पेपर पे नेक को मैंने रेडी कर लिया है और किनारों से भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और इसकी विड्थ रखी है 7 इंच और यहाँ से इसकी लेंथ भी है 7 इंच और इसको फोल्ड करके सेंटर में एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सेंटर की लाइन को सेंटर की लाइन से मैच करते हुए इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लेंगे। और फ्यूजन पेपर के बिल्कुल किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। और कुर्ती के बैक नेक को यहाँ पे रेडी कर लिया है, तिरछी पट्टी से इसकी फिनिशिंग कर ली है। इसके नेक की लेंथ रखी है 2 इंच और दोनों का शोल्डर इस तरीके से पकड़ते हुए सेट करेंगे और पट्टी को फ्रंट के बाहर की तरफ रखेंगे और इसको इस तरीके से ओवरलैप करते हुए दोनों शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। फिर दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है, इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे दोनों शोल्डर यहाँ पे अटैच हो गए हैं। उसके बाद हम अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और साइड की फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लिया है और ब्लैंकेट पे इस तरीके से गोल्डन कलर के बटन अटैच कर दिए हैं और नीचे दामन में गोटे की डिटेलिंग कर दी है। उसके बाद बचे हुए कपड़े से हम सरारे की कटिंग करेंगे, तो जो भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है साड़ी का उसको चौड़ाई में इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो इसका फैब्रिक बहुत ही चिकना है, फिसलने वाला, इसलिए मैं दोनों किनारे को इस तरीके से पकड़ते हुए पिन से इसे सिक्योर कर लूंगी। और सेंटर से इस तरीके से कट करते हुए दोनों पीस को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से सरारे के लिए 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई हम चेक करेंगे, सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए इसकी लेंथ आ रही है 21 इंच। तो यहाँ पे हम अपनी साइज का एक प्लाजो लेंगे
और इसके नीचे से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो लेंथ आई थी 21 इंच, तो इस तरीके से हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो प्लाजो है वो एंकल लेंथ का है, इसलिए 2 इंच नीचे करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम अपने सरारे में 21 इंच की लंबी फ्रिल अटैच करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद ऊपर के जो प्लाजो है उसकी लेंथ मार्क करेंगे, तो ये आया है 17 इंच, उसमें सिलाई के लिए 1 इंच मार्जिन रखेंगे और 18 इंच का हम ऊपर का पैंट कट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मीटर लीजी बीजी का फैब्रिक लिया हुआ है जो कि हमारे साड़ी के बिल्कुल मैचिंग कलर का है, इससे हम अपने प्लाजो पैंट के ऊपर का पोर्शन कट करेंगे। फैब्रिक को चौड़ाई में सेंटर से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई आई है 17 इंच। इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो है 40 इंच। ऊपर से इलास्टिक डालने के लिए हम 2.5 इंच पे पहले निशान लगाएंगे और यहाँ से इस लाइन को पहले इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद लेग शेप पर लेंगे और फोल्ड वाली साइड से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। हमारे हिप का राउंड मेजरमेंट है 40 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 10 इंच, उसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे और 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। नीचे क्रॉच लाइन के लिए भी 11 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और आगे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसे शेप दे देंगे। यहाँ से हम अपने पैंट की लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो ये है 17 इंच और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे 18 इंच। और यहाँ पे लेग से पर लेंगे और इस तरीके से 1 इंच का शेप दे देंगे। यहाँ पे स्केल से इसे सीधा खींच लेंगे और यहाँ पे भी हम 1 इंच का शेप देंगे इसे। दोनों साइड से हमने 1-1 इंच का शेप दे दिया है यहाँ पे। यहाँ पे हम लूज स्टाइल में सरारा बना रहे हैं जो कि काफी कम्फर्टेबल भी होगा और दिखने में इसका लुक बिल्कुल स्कर्ट की तरह आएगा। यह है हमारे सरारे के फ्रंट का पैनल, इसी को रखते हुए बैक के पैनल को कट करेंगे। फोल्डिंग वाली साइड से इस तरीके से बिल्कुल मैच करते हुए हम सेट करेंगे और आगे फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखेंगे और यहां से दोनों लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहां पे 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे और यहां पे इस तरीके से इसे शेप दे देंगे। और दूसरी साइड से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो मार्क है उसी पे हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे में 1 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट और बैक दोनों के पैनल को एक साथ लेंगे और दोनों की क्रॉच लाइन पे स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ क्रॉच लाइन पे स्टिच लगा लिया है, उसके बाद में इस तरीके से इसे ओपन करेंगे और बैक के पैनल पे फ्रंट का पैनल को इस तरीके से सेट करेंगे और साइड में इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अंदर की साइड में भी स्टिच लगा लेंगे और ऊपर में इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे साड़ी से जो दो पैनल कट किए थे दोनों में प्लीट्स डाल के इस तरीके से स्टिच कर लिया है और इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। कपड़े में फॉल नहीं है, तो अगर हम अच्छे से आयरन नहीं करेंगे तो जो हमारा सरारा है उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और नीचे में इस तरीके से गोटे वाली ट्रायंगल वाली लेस अटैच कर दी है। उसके बाद दोनों पोर्शन को इस तरीके से सेट करेंगे। किनारे में सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा करके दोनों पोर्शन को रेडी कर लिया है। इसके बाद में पैंट के साथ में इसको अटैच करेंगे, तो इस तरीके से इसे सेट करेंगे और पूरी गोलाई में इस तरीके से पिन से इसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे दोनों पोर्शन को अटैच कर लिया है और बहुत ही फ्लेयरी सा सरारा बनके रेडी हो गया है।
और इस तरीके के जो चिकने मोटे कपड़े होते हैं उसके सरारे में इस तरीके का अच्छा फॉल नहीं आता है, उसके लिए आपको जब भी सरारे को वियर करना है अच्छे से प्लीट्स को आयरन करना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फॉल आए। अगर आपको सरारा ज्यादा पसंद नहीं है तो अपनी कुर्ती की लेंथ को जो प्लीट वाला पोर्शन है उससे 2 इंच नीचे करके स्टिच कराएं। अगर आप प्रॉपर सरारे का लुक चाहते हैं तो इसको 2 इंच इस तरीके से कुर्ती को ऊपर करके स्टिच करा सकते हैं। ड्रेस का फाइनल लुक आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।